हरियाणा के नुहू से खबर, जहां पर एक बार फिर से बवाल शुरू हुआ था। कुआं पूजन का मौका था, महिलाएं जा रही थी, उन पर पथराव किए जाने के आरोप है और इसमें कई महिलाएं जख्मी हुई। मौके पर भारी पुलिस बल की तैनाती है। मौजूदा हालात वहां पर कैसे हैं, एक रिपोर्ट। हरियाणा के नुह में एक बार फिर शांति भंग करने की कोशिश की गई है। कुआं पूजन के लिए जा रही महिलाओं पर मदरसे के ऊपर से पथराव किए जाने का आरोप लगा है। पत्थर लगने से कई महिलाएं घायल भी हुई हैं। पथराव की ये घटना गुरुवार को देर शाम को हुई। नुहू के वार्ड 10 में महिलाएं गाजेबाजे के साथ कुआं पूजन करने नजदीक के शिव मंदिर में जा रही थीं। आरोप है कि जैसे ही महिलाएं मदरसे के आगे से निकली, उन पर पथराव किया गया। शाम को कुछ महिलाएं कुआं पूजन की तरफ से जा रही थी, तो मदरसे की यहाँ से शिकायत मिली है कि मदरसे की तरफ से कुछ बच्चों ने उनके ऊपर पत्थर फेंके हैं, जिसके मामले में दोनों समुदाय के लोग यहाँ पे इकट्ठे हो गए हैं। तो पुलिस ने भी समझा, इसके बाद में दोनों पक्षों को अलग अलग अपने अपने घरों को भेजा है। इलाके में महिलाओं पर पथराव की खबर मिलते ही बड़ी संख्या में स्थानीय लोग इकट्ठे हो गए, जिसके बाद पुलिस के आला अधिकारी भी मौके पर पहुंच गए। पुलिस ने मदरसे के मौलाना से पथराव के बारे में जानकारी ली। इसी साल 31 जुलाई को जलाभिषेक की यात्रा के दौरान भी हिंसा हुई थी, जिसने देश भर में सुर्खियां बटोरी थी। तो ज्ञानवापी परिसर की जो सर्वे रिपोर्ट है वो तैयार हो चुकी है, जिसे की एएसआई आज कोर्ट में पेश करने जा रही है, एक रिपोर्ट। 100 दिन से ज्यादा चले एएसआई सर्वे के बाद आज कोर्ट में ज्ञानवापी परिसर की सर्वे रिपोर्ट पेश की जाएगी। 5 महिलाओं की श्रृंगार गौरी समेत अन्य मूर्तियों के पूजा के अधिकार की मांग वाली अर्जी पर जिला अदालत ने ज्ञानवापी परिसर का सर्वे कराया है। वादी महिलाओं का कहना था कि वर्षों से ज्ञानवापी परिसर में आदि विश्वेश्वर, पार्वती, श्रृंगार गौरी, हनुमान जी समेत अन्य विग्रह मौजूद हैं, जिसे पूर्व में विदेशी आक्रांताओं ने क्षतिग्रस्त करके मलबे से ढक दिया था। अदालत ने सुनवाई करते हुए कोर्ट कमीशन की कार्रवाई की, जिसमें बुजुखाना में सामने आई आकृति को हिंदू पक्ष ने शिवलिंग होने का दावा किया, तो मुस्लिम पक्ष ने उस आकृति को फव्वारा बताया। बाद में वुजूखाने को कोर्ट के आदेश पर सील कर दिया गया था। हिंदू पक्ष की मांग पर अदालत ने परिसर के शेष हिस्सों की तथ्यों की सत्यता परखने के लिए बिना किसी क्षति पहुंचाए वैज्ञानिक तरीके से सर्वे का आदेश दिया था। एएसआई ने 4 अगस्त से 3 नवंबर तक परिसर में लगातार सर्वे किया। आज जम्मू कश्मीर की बात करें, यहाँ के गुलगाम में सुरक्षा बलों ने 3 से 4 आतंकियों को घेरा और कल शाम से एनकाउंटर जारी है। दक्षिण कश्मीर में कुलग्राम के सामनू में कल शाम 4:30 बजे से शुरू हुई मुठभेड़ आज भी जारी है। सुरक्षा बलों ने इलाके को चारों तरफ से घेर रखा है। 3 से 4 आतंकियों के छिपे होने की आशंका है। दोनों तरफ से भारी गोलीबारी जारी है। सूत्रों के मुताबिक आतंकियों के छिपे होने के इनपुट के बाद सुरक्षा बलों की तरफ से सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा था, जो कि बाद में एनकाउंटर में बदल गया। कश्मीर जोन पुलिस के मुताबिक कुलगाम जिले के सामनों में डीएचपुरा इलाके में एनकाउंटर जारी है। पुलिस और सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके की नाकेबंदी कर रखी है। फिलहाल किसी आतंकी के मारे जाने की खबर नहीं है। इसके साथ ही एलओसी के पास बुधवार को बारामूला के उरी सेक्टर में भी मुठभेड़ हुई, जिसमें सेना ने आतंकी बशीर अहमद मलिक समेत 2 आतंकियों को मार गिराया है। घुसपैठ की कोशिश कर रहे आतंकियों के पास से हथियार और पाकिस्तानी नकदी भी बरामद की गई थी। कुलगाम जिले में इससे पहले 4 अक्टूबर को भी आतंकियों और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ हुई थी। तो मध्य प्रदेश की बात करें आज, और छत्तीसगढ़ में आज पोलिंग का दिन है, मतदान का दिन, और आज एमपी की 230 और छत्तीसगढ़ की बची हुई जो 70 सीट्स हैं उस पर आज सुबह से वोटिंग शुरू होने वाली है। अब से कुछ समय के बाद पोलिंग बूथ पर सुरक्षा की व्यवस्था कैसी है, एक रिपोर्ट। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की 300 सीटों पर आज मतदान होना है। इसके लिए चुनाव आयोग ने तैयारी पूरी कर ली है। मतदाता आज मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला करेंगे। आज मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम कमलनाथ, सीएम शिवराज सिंह चौहान, छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल समेत अन्य बड़े नेताओं की जीत हार का फैसला ईवीएम में कैद हो जाएगा। आज मध्य प्रदेश की 230 सीटों पर वोटिंग होनी है। वहीं छत्तीसगढ़ में दूसरे चरण की वोटिंग होनी है, जिसमें राज्य की 70 सीटें शामिल हैं। मध्य प्रदेश में कांग्रेस और बीजेपी के बीच मुकाबला है। हालांकि बीएसपी और समाजवादी पार्टी किसी का भी खेल बिगाड़ने की ताकत रखती हैं। वहीं छत्तीसगढ़ में भी कांग्रेस और बीजेपी के बीच सीधी टक्कर है, लेकिन यहां पर भी बीएसपी और समाजवादी पार्टी खेल बिगाड़ सकती हैं।
इन दोनों पार्टियों के साथ साथ आम आदमी पार्टी भी मैदान में है। 5,60,00,000 मतदाता नई सरकार चुनेंगे, वहीं छत्तीसगढ़ में 1,63,00,000 मतदाता उम्मीदवारों की जीत हार तय करेंगे। तो मध्य प्रदेश में मतदान से पहले कल देर शाम कमलनाथ ने अपने परिवार के साथ सिमरिया हनुमान मंदिर में दौरा किया, भगवान की पूजा की। आपको दिखाते हैं एक मिनट में पूरी खबर। मध्य प्रदेश की राजनीति के लिए आज का दिन बेहद खास है। आज प्रदेश की 230 सीटों के लिए वोटिंग है और छिंदवाड़ा की सीट से कांग्रेस के दिग्गज नेता कमलनाथ मैदान में हैं। मतदान से एक दिन पहले देर शाम कमलनाथ ने छिंदवाड़ा के सिमरिया स्थित हनुमान मंदिर में परिवार के साथ भगवान बजरंग बली की पूजा अर्चना कर सुख समृद्धि की कामना की। इस दौरान उनके साथ उनके बहु बेटे भी थे। पूजन अर्चन के इस क्रम में पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ और सांसद नकुल नाथ ने परिवार समेत सिद्ध सिमरिया धाम में पूजा अर्चना की। पूजा पाठ के बाद कमलनाथ मीडिया से मुखातिब हुए और प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान पर जमकर हमला बोला। कमलनाथ ने कहा कि शिवराज सिंह कुछ भी कहते रहते हैं। शिवराज सिंह जी कुछ भी कहते रहे, पहले खुद घोषित हो जाएं बीजेपी के मुख्यमंत्री का चेहरा। Z News.